इन लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम ये डॉक्टर बन गए जिनको लगता है ये कानून तोड़ सकते हैं। डॉक्टर हम भी हैं, जब ये डॉक्टर बने ना उसके 25 साल पहले हम डॉक्टर बन चुके हैं, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय और बहुत दिनों से यूट्यूब की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई ब्लॉग नहीं लिखा था। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, शेयर कर रहा हूँ पर्सनली, कि ये जो ब्लॉग वगैरह मैं बनाता हूँ और लिखता हूँ तो ये मैं शौक से बनाता हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं और कोई पैसे वैसे कमाने के लिए नहीं बनाता। आज का एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और एक सवाल भी है, हो सकता है कि अगर आप अच्छा इस पर फीडबैक दें या आप अपने ओपिनियन दें तो शायद इससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिले। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना के सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरे जैसे अनप्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो वीडियो बना के उसे वायरल कर देते हैं। तो ये करना सही है? और ऐसे मासूम लोगों की वीडियो बनाते हैं जो जाने अनजाने गलती करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़े क्राइम करते हैं या बड़े किसी घटना में इन्वॉल्व होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सच में इनोसेंट है, केवल उनकी बात कर रहा हूँ। वो जाने अनजाने कोई कानून की किताब नहीं पढ़ते, पढ़ के आते हैं और उनसे कोई जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे लोगों की वीडियो बना के, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस या पुलिस पर्सनल या कोई बहुत बड़ा अधिकारी, SDM, DM या उससे भी बड़ा अधिकारी, कम उम्र के लोगों की वीडियो बना लेते हैं जो जिन्होंने गलती की हुई होती है। वो कम उम्र के ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने गलती की हुई होती है, कोई इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं किया होता, लेकिन उनकी वीडियो बना के विदाउट बिफोर जुडिशियल रिव्यू के, जुडिशियल रिव्यू से मेरा मतलब यह है कि कोर्ट में पेश होने से पहले और कोर्ट उस पर क्या फैसला दे रहा है उससे पहले उसकी वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करके उसे वायरल कर देते हैं। जुर्म कोई इतना बड़ा नहीं होता, मैं छोटे छोटे मोटे गलतियों की बात कर रहा हूं। तो जुडिशियल रिव्यू होने से पहले ऐसे लोग, ऐसे कम उम्र के लोगों की या किसी कॉमन मैन की जो कानून की किताब नहीं पढ़ते उनसे गलती हो जाती है और उनकी वीडियो बनाकर कि आपने ये गलती की और उनको थप्पड़ मार देते हैं, धक्का मार देते हैं और अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए, ओवर कॉन्फिडेंट अपना दिखाने के लिए, सिंघम पर्सनैलिटी दिखाने के लिए उसे वायरल करते हैं। तो बिफोर जुडिशियल रिव्यू ऐसा सोशल मीडिया पर डालना उचित है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में वो ट्रॉमा, वो जो इंसल्ट उनकी हुई होती है वायरल होने के बाद, वो ट्रॉमा उनकी जिंदगी भर तक रहता है उनके दिमाग में और वो उससे कभी उभर नहीं पाते। तो ऐसा करना ठीक है या नहीं है? बड़े केसेस में वीडियो बनाना या जिसमें जुर्म साबित हो जाए या जुर्म साबित नहीं भी हो लेकिन देखने में लग रहा है कि ये गलती कर रहा है, समाज में संदेश जाना चाहिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल छोटी मोटी घटनाओं की बात कर रहा हूं। और अच्छा, आज का जो मेरा जो वीडियो है जो मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो में लास्ट में, उसमें गलती तो दोनों पक्ष की है क्योंकि ये कोविड के ऊपर है और कोविड में अगर किसी से कोई गलती हो रही है तो ये बड़ा जुर्म है। मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने रूल तोड़ा उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इससे जान जाने का खतरा है, लोग अपने लोगों को खो रहे हैं। तो जो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने लोगों को खोता है तो इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती, तो ऐसे में तो इंसान को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि शादी ब्याह एक ऐसी चीज होती है हमारे समाज में, लाख कोशिश कर लो लेकिन तब भी वो कभी टाइम पर खत्म नहीं कर पाते हम उसे, कि ये हमने सोच लिया कि 9 बजे रात को खत्म कर देंगे, नहीं हो पाएगी। या कभी कोविड नहीं भी चल रहा, हम सोच रहे कि 2 बजे रात तक शादी को खत्म कर देते, नहीं हो पाती। ये शादी ब्याह के बारे में आपको समझाना, कोई मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि शादी ब्याह में देर होती ही है लेकिन कोविड के समय में भी इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मैं मानता हूं। इस घटना की जो गंभीरता है, इस चीज को सभी लोग समझते हैं, गलती दोनों पक्षों की है, लेकिन मेरे सवाल ये हैं, शायद आप इसका अच्छे से रिव्यू दे पाए, फीडबैक दे पाए। ये घटना है अगरतला की, त्रिपुरा की, जिसमें एक DM ने
शायद सिंघमगिरी कराने दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई, वायरल किया, लेकिन इस बार उसको ये वीडियो बनाना बहुत महंगा पड़ा और बहुत बैड रिव्यूज आए। उसमें हुआ ये कि वो गया और उसने, उसके पास परमिशन थी, डीएम ने ही परमिशन दी थी कि आप शादी कर सकते हैं 50 लोगों के साथ, 10 बजे तक शादी खत्म हो जानी चाहिए थी। तो उनका जो, उनके साथ जो घटना हुई वो ये कि 10 से ज्यादा उनका टाइम हो गया। शादी ब्याह कैसे होती है आपको भी पता है, लेकिन फिर भी वायलेटर वायलेटर ही होता है, जिसने गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए। पर मेरा सवाल ये है, बिल्कुल स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे में सबको सजा मिलनी चाहिए, सबकी इंसल्ट होनी चाहिए, सबके साथ धक्का मुक्की होनी चाहिए, सबको गाली देनी चाहिए? क्योंकि उस शादी में दुल्हन और दूल्हा सबसे इंपॉर्टेंट दो लोग होते हैं शादी में। दुल्हन के सामने दूल्हे के गर्दन पे हाथ रख के उसको धक्का दे दिया, उसको, उसके साथ बदतमीजी की, उसको जेल में डाल दिया। उस शादी में एक पंडित था, पंडित क्या आपसे परमिशन की कॉपी मांगता है कि आपको क्या परमिशन मिली है, जरा पढ़ के देखना चाहता हूँ, रूल रेगुलेशन समझता है उससे? वो एक छोटा मोटा, एक, बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं, ज्यादातर आप जानते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बेचारे भी सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करके आपकी शादी कराते हैं, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे बस इतना पता है कि आपने परमिशन ले ली। उसको खींच के रगड़ के समाज के सामने लाना और उसको थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारने के बाद उसे लात मारना और उसे गाली दे के भगाना और उसको जेल डालना, ये क्या सही बात है? मौके वारदात पे जितने भी पुलिस वाले थे उनकी क्या गलती है क्या नहीं, उससे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। सवाल मेरा यह है कि जो बाहर से जो सीनियर पुलिस ऑफिसर आया उसको धक्का मारना डीएम की तरफ से, उसको गाली देना उसके जूनियर ऑफिसर के सामने और उस पुलिस वाले की बेइज्जती करना, क्या ये उचित है? तो मेरा सवाल ये नहीं है कि वायलेटर ने क्या गलती की, उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। मुझे ये जानना है, चाहता हूँ, या मेरा सवाल कह लीजिए कि शादी ब्याह में जो लड़का पक्ष का या लड़की पक्ष के लोग हों, वो गेस्ट को बुलाते हैं और जिस गेस्ट को बुलाया उसकी भी बेइज्जती करना, उसके साथ धक्का मुक्की करना, ये सही बात है? जिसने गलती की, जो उसका अरेंजमेंट कर रहा है, उसको जेल में डालना, उसको पनिशमेंट देना, एक सही बात है? जाने अनजाने में किसी से गलती हुई हो तो उसके साथ बेइज्जती करना सही है कि नहीं, ये आप ही बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसका बहुत बैड फीडबैक आया और उसी आईएएस अधिकारी के मित्र, उसके क्लासमेट और बाकी के आईएएस अधिकारियों ने भी इस पे बहुत आक्रोश दिखाया, बहुत बैड रिव्यूज दिए और कहा यह बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। ये एक बहुत ही अजीब सी घटना है जो सबको बहुत टच कर रही है, बहुत लोगों ने इस पे रिव्यू दिए, तो आपके क्या रिव्यू हैं ये बताइए। इसमें जब आदमी की नहीं चलती तो वो औरत को सामने कर देता है कि कम से कम, इस सोच पे करता है कि कम से कम इस लेडी की तो सुनी जाएगी। तो जिस लेडी को पेपर लेके आगे भेजा गया कि सर मेरा जो है परमिशन आपने दी थी, तो डीएम ने पेपर फाड़ के उसके मुंह पे फेंक दिया, तो ये सब एक्टिविटी ठीक है? और एक डॉक्टर था, वो समझाने की कोशिश करता है, देखिए मैं जो है आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गलती हुई है मेरी, हम लोगों की, और आप पनिशमेंट दे दीजिए लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दीजिए जिनकी कोई गलती नहीं। क्योंकि जो डॉक्टरों को के साथ बदतमीजी की गई, जो समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या डीएम से कम जान बचाई होगी उस डॉक्टर ने कोविड के दौरान? क्या कम लोगों की मदद की होगी? तो ये सब मेरे सवाल है। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, फीडबैक शेयर कर रहा हूँ और आप बताइएगा कि ये ठीक है कि नहीं। थैंक यू। और अगली वीडियो जो है ब्लॉग, मैं ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों लेट हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और इस पे सरकार क्या काम कर रही है, राज्य सरकारें क्या काम कर रही है, लोग क्या काम कर रहे हैं, उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच। लॉकअप में लेके जाइए, परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। निकल, बात जाओ 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 जाओ।
चलो बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? अरे मास्क गायब हो गया। मार दो, मार दे, 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 आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? इन लोगों को निकालो, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्विस ऑन ड्यूटी अरेस्टिंग This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? Is to arrest him. Naam bolo. Naam boliye. Mask nahi hai. 10 baje ke baad curfew hai yahan. किसने परमिशन दी आपको? नहीं सर, बारिश के लिए सभी लोगों को अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए हैं सर। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, बारिश के लिए बारात का है। परमिशन टिल 10 PM। अरे सेम ऑल्सो, अरे सेम ऑल्सो, अरे अरे दिस लेडी ऑल्सो। These all nonsense. Okay? These all nonsense you are talking about. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग। आप अपना काम नहीं करें, चलिए। इसको डंडा मारो यार, मारो इसकी। मारो इसको। Hit him bloody asshole. सामने वाले में भी चल रहा है क्या? Hello. You are not violating? The timing. What time is the night curfew? Night curfew is 10. But then, if the auspicious time is 11, then what can we do? Then you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, an educated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy, obstructing public servant on duty. So what catch hold of him. कौन है? लाइए। ए सरोज, इधर हो। दैट्स व्हाई यू आर वायलेटिंग। यू शुड बी अरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। नो 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 नो, दिस गाय ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी। अरेस्ट हिम।
भैया भैया मत बोलिए, जाइए आप होंगे भाई, जाइए समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर बन गए इनको लगता है ये कानून तोड़ सकते हैं। डॉक्टर हम भी हैं, जब ये डॉक्टर बने ना उसके 25 साल पहले हम डॉक्टर बन चुके हैं, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे भाई। जबकि हकीकत ये है कि इनकी उम्र, ये जब पैदा हुए थे तब सन ऐसा रिकॉर्ड में लिखा हुआ 1979 में पैदा हुआ, तो उस हिसाब से इनकी उम्र 42 साल की है। तो 25 साल पहले ये डॉक्टर जब बने होंगे तो इनकी उम्र 17 साल की होगी। तो 17 साल की उम्र में ये कौन से विभाग में डॉक्टर बने थे, जरा यही बता दें तो अच्छा रहेगा। कानून तोड़ सकते हैं, डॉक्टर हम भी हैं, जब ये डॉक्टर बने ना उसके 25 साल पहले हम डॉक्टर बन चुके हैं। इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर बन गए इनको लगता है ये कानून तोड़ सकते हैं। डॉक्टर हम भी हैं, जब ये डॉक्टर बने ना उसके 25 साल पहले हम डॉक्टर बन चुके हैं, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे भाई साहब।